अगला हमारे पास ये ग्रामर का पोर्शन है, यहाँ पर है रीड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हमें ये सेंटेंसेज रीड करने हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर कैन ड्रा ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग। कंप्यूटर कैन क्या होता है, कैन हमारी कैपेसिटी है, कैन का मतलब है कैपेसिटी कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं, ये हमारी कैपेसिटी को बताता है। तो योग्यता है, कैपेसिटी क्या है, योग्यता, तो योग्यता के बारे में बताता है कि किसी कार्य को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर है कंप्यूटर कैन ड्रा ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ड्रा मैंने बनाना, पिक्चर्स ब्यूटीफुल सुंदर पिक्चर्स फोटो हैं, एंड डिजाइन बिल्डिंग और बिल्डिंग्स बना सकता है। तो कंप्यूटर में यह क्षमता है, योग्यता है, तो ये हम वहाँ पर कैन करते हैं। और जिस काम को हम नहीं कर पाते उसके लिए हम कैन नॉट का यूज करते हैं कि वह काम वह व्यक्ति नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बट इट ओबेज योर कमांड्स। कंप्यूटर सोच नहीं सकता अपने आप से, आपको कुछ ना कुछ कमांड उसको देनी पड़ती हैं, तो यह सोच नहीं सकता, इसलिए इसे कैन नॉट कहेंगे, कैन नॉट थिंक। तो यहाँ पर हेयर कैन कैन नॉट, एक तो कैन शब्द आया है पहले सेंटेंस में और दूसरे में कैन नॉट आया है। एक्सप्रेसिज द एबिलिटी, जो मैंने कहा था कि ये हमारी कैपेसिटी या एबिलिटी के बारे में हमें बताता है, तो ये एबिलिटी भी है, और एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, योग्यता बोलते हैं ऑफ द कंप्यूटर। तो यह हमें कंप्यूटर की योग्यता के बारे में बताता है। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो, कैन कांट कि कैन और कांट इज यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटी। फिजिकल हमारे शरीर से संबंधित है, मेंटल हमारे दिमाग से संबंधित है, शारीरिक क्षमता और हमारी मानसिक क्षमता दोनों के लिए हम इसे प्रयोग करते हैं। जो काम हम कर पाते हैं उसके लिए हम कैन यूज करते हैं, और जो काम जो हमारे में एबिलिटी नहीं है उसके लिए हम कैन नॉट करते हैं, चाहे वह आपकी फिजिकल हो और चाहे आपकी वो मेंटल हो। तो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैन और कैन नॉट। हमें कैन और कैन नॉट का यूज करना है और बताना है कि वह काम कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस है कंप्यूटर डैश स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। हाँ, हमने लेसन में पढ़ा है कि कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी है करने की। तो यहाँ पर कैन आएगा, कंप्यूटर कैन स्टोर, तो कैन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सेकंड, शी इज वीक, वह कमज़ोर है इन मैथमेटिक्स, गणित में, वह गणित में कमज़ोर है। शी डैश सोल्व दिस प्रॉब्लम कि अगर हम यहाँ कैन लगाएं तो इसका मतलब होगा कि वह सोल्व दिस प्रॉब्लम, समस्या को, इस सवाल को या समस्या को वह सोल्व कर सकती है। और अगर कैन नॉट लगाएंगे तो आएगा कि वह इस सवाल को हल नहीं कर सकती। तो अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे, यहाँ लिखा है शी इज वीक इन मैथमेटिक्स, जब वह गणित में कमज़ोर है तो वह इस सवाल को हल नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर हमें कांट या कैन नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा कैन नॉट, क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है इस सवाल को हल करने की, तो यहाँ पर कैन नॉट आएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर डैश वॉक एंड टॉक जस्ट लाइक रोबोट। जो कंप्यूटर है वह चल भी सकता है और बात भी कर सकता है, कैसे, रोबोट की तरह है। तो बात यह है कि कंप्यूटर रोबोट की तरह है, बात नहीं कर सकता ना वो चल सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन नॉट आएगा, कैन नॉट, कैन नॉट, तो यहाँ पर आएगा कैन नॉट, क्योंकि कंप्यूटर ना तो रोबोट की तरह चल पाता है ना उसकी तरह बात कर पाता है, इसे हमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली यह काम करता है। नेक्स्ट है फोर, आई डैश सर्व यू टी नाउ बिकॉज देर इज नो मिल्क, कि घर में दूध नहीं है, तो अगर घर में दूध नहीं है तो चाय किससे बनती है, दूध से ही बनती है, तो क्या फिर उसे वो चाय दे सकती है, सर्व कर सकती है चाय, तो नहीं, तो आई कैन नॉट सर्व यू टी, तो कैन नॉट भी लिख सकते हैं और कांट भी, दोनों ही ठीक है, मैं यहाँ पर कांट लिख रहा हूँ, तो दोनों का मीनिंग यह है, बस ये छोटा है। आई कांट सर्व यू टी, मैं आपको चाय नहीं पिला सकती नाउ अब बिकॉज देर इज़ नो मिल्क, कि घर में अब क्या है, दूध नहीं है। फिर नेक्स्ट है रहीम डैश स्पीक इंग्लिश वेरी वेल,
जो रहीम है वह बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है। बिल्कुल यहाँ कैन, रहीम कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, जो रहीम है वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि हम जो कैन है वो हमारी कैपेसिटी या हमारी एबिलिटी को दर्शाता है, चाहे वह हमारी फिजिकल शारीरिक योग्यता हो और चाहे हमारी वो मेंटल या मानसिक योग्यता है। तो जिस काम को हम कर पाते हैं उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, और जिस काम को करने में हमारे में सामर्थ्य एबिलिटी कैपेसिटी नहीं होती है उसके लिए हम कांट या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं।